नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा विधानसभा सत्र से एक दिन पहले चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर होने वाली विधायक दल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हरियाणा विधानसभा का सत्र 25 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है, तो वहीं रघुवीर सिंह कादियान को सत्र के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। रघुवीर सिंह कादियान सत्र की शुरुआत पर विधायकों को सबसे पहले पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। इसके बाद विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चयन होगा। लेकिन आज मसला में सवाल ये कि क्या विधायक दल की बैठक से जो है आगे के रोडमैप तैयार होगा, और दूसरा सवाल ये कि कौन होगा नेता प्रतिपक्ष का चेहरा। चलिए चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले जो है आज के हमारे इस खास पैनल में जुड़े हुए मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। जो है हमारे साथ रामराजी शर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। अनुसूरा जी प्रवक्ता एनएलओ की तरफ से जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका भी। और नरेश शर्मा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के साथ जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और नीरज गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के तौर पर जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। रामराजी शर्मा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, और जिस तरीके से जो है पार्टी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप जो है, तो जिस तरीके से पार्टी लगातार जो है अभी बंटवारा हुआ है अभी विभागों का आपके, और ऐसे में मंत्री भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं, काम करते हुए या फिर मीटिंग्स लेते हुए यहाँ दिखाई दिए हैं, तो अब जो विधायक दल की बैठक होनी है और सत्र भी होगा जहां पर विधायकों की शपथ होनी है, तो ऐसे में पूरे इस मामले को पूरी तरीके से कैसे देख रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरीके का रोडमैप जो है सामने निकल कर आएगा? देखो, जिस तरह से हमारी देवतुल्य जनता जनार्दन जो भगवान का रूप है, उसने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देकर तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनाने का मौका दिया है, उनको प्रधानमंत्री कुर्सी पर बिठाया है, तीसरी बार हमारी सरकार केंद्र में आई है। ऐसे ही हरियाणा में भी देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से तीसरी बार हमारी सरकार बनी है, और बहुत ही लोकप्रिय जन जन के चेहते और छत्ती बरादरी के मसीहा, युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, जो अक्सर कहते रहते भाइयों ये मुख्यमंत्री कुर्सी की तारी है, मैं भी तारा हूँ, और यू सीएम रेजिडेंस भी तारा, तेरा तो उसको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ सारा है, मैंने सारे आशीर्वाद की जरूरत है। और जिस तरह से जनता ने दिल खोल के उनको आशीर्वाद दिया आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को, और दूसरी बार उनको प्रदेश का मुख्यमंत्री कुर्सी पर आशीर्वाद देकर बैठाया है, मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर देवतुल्य जनता जनार्दन का आभार प्रकट करता हूं, और मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं, जो जो हमने संकल्प पत्र में हमने संकल्प लिया है, हमने वायदे करे हैं, वो हम जरूर पूरा करेंगे, जनता की कसौटी पर हम खड़े उतरेंगे, और जनता की ऐसे सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी, और लगभग 20-25 साल तक हमारी पार्टी ऐसे ही मतलब शासन में रहेगी, ऐसे राज करती रहेगी, और जनता जनार्दन की सेवा में सब कुछ है। मैं तो यही जनता को कहना चाहूंगा, अब भाई जनता की सेवा से बड़ा शर्मा जी जो है तीसरी बार हैट्रिक आपने हरियाणा में लगाई और 25 सालों का रोडमैप आपने बता दिया जी, 25 से 27 साल का आप जो है आकलन करके चल रहे हैं कि सरकार आप ही की है और आप ही के मुख्यमंत्री हरियाणा में राज करेंगे, राइट? जी जी, अगर मैं सही हूँ तो ठीक जी, यू आर 100% राइट। ओके ओके सर, मैं जो है इस पर जो है रिएक्शन लेना चाहूंगा, तमाम गेस्ट भी हैं, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। नीरज जी आपके पास आना चाहूंगा, नीरज जी आप क्या कहना चाहेंगे 27 साल आगे का जो रोडमैप तैयार करके चल रहे हैं, चूंकि अब जिस तरीके से कार्यशैली है भाजपा ने, और भाजपा ने जो है जनता जनार्दन का विश्वास जीता है, उन्होंने मत दिया है, उन्होंने चुनकर जो है यहाँ पर सरकार बनाई है, तो आपको क्या लग रहा है कि रोडमैप पूरी तरीके से जनहित में होगा और कार्य आपको दिखाई देने लगे? नीरज जी ओवर टू। देखो जी भाई, हम तो इन चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करते, हम तो अपने संकल्प पत्र और उनके संकल्प पत्र बोल सकते हैं। अब 27 साल आप साहित्य की जगह 77 भी कहते हैं, भैया कुछ भी कह सकते हैं, इनके कहने पे कोई कंट्रोल नहीं। ये एक पार्टी ऐसी विस्की जो दूरदर्शी पार्टी है, इनके पास एक ऐसी त्रिभुवन है कि जो 15-25 साल तक 30 साल तक में जा सकते हैं और कहते हैं जी हम 30 साल तक रोड मैप तैयार करेंगे, तो इतनी लंबी लंबी बात करते हैं जी, इनका कोई अंत नहीं है, इन बातों कोई बेबुनियाद बातें हैं। 5 साल की चर्चा करें, अपने संकल्प पत्र की चर्चा करें,
पहले संकल्प पत्र के वादे कर रहे हैं, जो अपने वादे प्रविष्ट, अभी इनकी सरकार बनी अभी कोई वादा पूरा नहीं हुआ, अभी स्टार्ट होने शुरू होंगे। 500 रुपए का मामला सिलेंडर का, युवाओं को नौकरी देने का उन्होंने पर्ची, हाँ, युवाओं का नौकरी का वादा हुआ, अभी 500 रुपए सिलेंडर देंगे। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ बोल रहा हूँ, रुको भैया रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अभी 500 रुपए गैस सिलेंडर की जनता इंतजार कर रही है। 21 रुपए बहनों को खाते में आएंगे, जैसे 21 रुपए में आज किसी ने पसंद किया नायब सैनी जी मुख्यमंत्री से, वो बोला भाई टाइम है भाई, हमने ये निकाला था भाई एकदम वादा पूरा करनी है, तो उसकी भी वेट एंड वॉच है। हम इनके संकल्प पत्र पे बहस कर सकते हैं, अब ये 27 सेल की विषय की राजनीति तो इनको पता है। हाँ ये अपने 5 साल के पहले वादे पूरे करें, क्योंकि पिछले पहले 10 साल के वादे में नहीं पूरे हुए थे, वो ठीक है इनकी सरकार बन गई, सरकार ने इन पे विश्वास दिखाया, इसमें कोई दोराय नहीं है कि सरकार बहुमत से बनी है। तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं, मैं इनसे कहूंगा जो आपके मंत्री को विभाग बटे हैं उनको काम करना चाहिए, अब वो नए विभाग बन को बने हैं, लेकिन इनके देखिए विरोधाभास हैं। अब इनके राम नरवीर जी क्या कहते हैं, अधिकारी को धमकाते हैं, अभी तो सत्ता हासिल नहीं हुई, सत्ता हासिल होती मिनिस्टर बने, कैसे उन्होंने अधिकारी को दिखाया, ऑन रिकॉर्ड बात है, आईएसआई पर लोगों को धमका रहे, अरे सुधर जाओ भैया, रिश्वतबाजी भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। अगर रिश्वत भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो इसके लिए अपनी सरकार भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जो पहले भी 10 साल इनकी सरकार रही। अरे भैया कोई कार्रवाई करनी है, अगर रिश्वत भ्रष्टाचार की बात करते हैं अपने मिनिस्टर से पूछो, जो पोर्टफोलियो का इंचार्ज था, आज पोर्टफोलियो, एक मिनट राम सिंह जी आपने पहले बोला, जब आज पोर्टफोलियो राम नर सिंह के पास आ गया नवीर जी के पास, उससे पहले पोर्टफोलियो क्या है? ऐसे अधिकारी को धमकाया नहीं जा सकता, उनको अपने एक संवैधानिक पद पे रहते हैं, गरिमा ध्यान रखना चाहिए, आईएसआई पर सिर्फ पढ़ी लिखी लोग ही है, ऐसे किसी भी अधिकारी को धमकाना नहीं चाहिए, धमकी वाला व्यवहार नहीं होना चाहिए। आप राजनेता हो तो आपको राजनेता जैसे व्यवहार करना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए। आप ऐसे धमका के या भ्रष्टाचारी बात दे करके कि भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, जो चलता है ठीक है तो सरकार जी है, गड़े में कर रहे हैं। और भी जी ठीक है मैं आऊंगा आपके पास भी, वापस लौट के आऊंगा सवालों के साथ में, जो है और भी हमारे साथ मेहमान है उनसे भी जो है मैं रिएक्शन ले लेता हूँ, डिबेट में शामिल कर लेता हूँ। अनु जी हमारे साथ हैं, अनुसूरा जी आपकी प्रतिक्रिया, और जो विधानसभा सत्र 25 अक्टूबर को शुरू होगा ऐसे में कैसे देख रही हैं? उससे पहले जो है बीजेपी की बैठक होनी है और उसमें फिर सत्र में जो है विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी, और आगामी जो है हरियाणा की जो जनता है आगामी अपने कार्य योजनाओं को लेकर जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे क्या धरातल पर दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई देंगे उम्मीद आपको? सभी प्रवक्ताओं को और सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। मैं ये कहूंगी कि अब की बार भाजपा नहीं जीती है, अब की बार कांग्रेस हारी है। भाजपा अगर ये सोचती है कि हरियाणा की जीत भाजपा की जीत है तो बड़ी गलत फहमी होगी। भाजपा को लोग नहीं जिताना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस को हराना चाहते थे, जो रवैया कांग्रेस का था। और लेकिन मैं ये कहूंगी कि लेकिन मैम यहाँ पर कांग्रेस तो पूरे ओवर कॉन्फिडेंस दिखा रही थी तमाम सारे डिबेट में, जब मैं भी बातचीत कर रहा था तमाम तक कॉन्फिडेंस कहाँ, ओवर कॉन्फिडेंस में थी जो है कांग्रेस, तभी तो हारी है ना। ये जो अहंकार कांग्रेस को हो गया था, ये हरियाणा की जनता है ना, ये अहंकार अगर मोदी का तोड़ सकती है तो हरियाणा के अंदर, राहुल जी कह रहे थे कि आंधी आने वाली है हरियाणा में, आंधी आ गई ना, आंधी आ गई और उस आंधी के अंदर हुड्डा शैलजा सब उड़ गए, सब कांग्रेसी उड़ गए उस आंधी के अंदर। देखिए हवा होना अलग बात होती है, लेकिन अहंकार होना अलग बात होती है। हरियाणा की जनता अहंकार नहीं बर्दाश्त करती, चाहे वो कोई भी हो। और मैं तो ये कहूंगी कि ये जो फॉर्मेलिटी है, तीसरी बार सत्ता आ रही है, जनता को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जो अभी नई सत्ता का गठन हुआ है, इनको देखने में भी, इनको तो सिर्फ झेलेगी 5 साल जनता, और जनता को ऑलरेडी पता है कि बीजेपी की सरकार कैसे चलेगी, कैसे अभी तक चलती आई है 10 साल। डम्मी मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रियों को तो आप छोड़ ही दीजिए, दिल्ली से सरकार चलती है, पूरा पैटर्न जनता को पता है, तो नया कुछ नहीं है। मैं तो ये कहूंगी कि कांग्रेस ने जो आडंबर रचा था, उस आडंबर के प्रभाव में आके एलनाबाद की जनता ने एक हीरे को एलनाबाद में खोने का काम किया 5 साल के लिए, और आज पछतावा भी मेरे ख्याल से जरूर होगा। तो क्योंकि उस टाइम बहकाया गया कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, आप सरकार में हिस्सेदार बनो, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन एक हमारा, मैं कहूंगी कि
शेर नेता जो अकेला लगातार भाजपा के खिलाफ सदन में आवाज उठाता रहा, लड़ता रहा, उस शेर नेता को बिल्कुल पूरा हरियाणा जो विधानसभा में सुनता था वो जरूर मिस करने वाले हम तो बहुत मिस करेंगे, क्योंकि कांग्रेस तो विपक्ष के नाम पे धब्बा थी, ये तो इनके हुड्डा साहब तो शेर सुनाते थे खट्टर को और खट्टर हुड्डा साहब को शेर सुनाते थे, तब हम तो बहुत कहते थे कि समझो ये एक ही है, हुड्डा साहब जब तक बैठे हैं बीजेपी नहीं जाएगी, लेकिन जनता को लगता था कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अब तो मैं कहती हूँ हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे सबके सामने, हाँ पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब तो सबके सामने है, अब पूरा हरियाणा समझ चुका है कि कांग्रेस के बस की बात नहीं है भाजपा को सत्ता से हटाना, लोकदल को मजबूत करेंगे इस बार, ये जो 5 साल है बिल्कुल आप देखिएगा कैसे लोकदल के अंदर मैं कहती हूँ सभी लोग वापसी करेंगे और फर्ज से अर्ज पे आने में टाइम नहीं लगेगा लोकदल को, हमने पहले भी इतिहास में बहुत मुश्किल समय देखे हैं और हम तो अब काफी समय पहले ग्रो कर जाते, लेकिन ये जो झूठ का बाजार सजाया गया था इलेक्ट्रोल बोर्ड के सहारे, क्योंकि कांग्रेस तो वो पार्टी है जो बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदे लेती है, इनेलो को तो इलेक्ट्रोल बोर्ड मिले नहीं, और जब आपके पास पैसा होता है तब आप मीडिया के जरिए माहौल बना सकते हो, तो कांग्रेस ने जिस तरीके से मैं कहूंगी खासकर सोशल मीडिया पे जो अपने गुर्गे बिठा बिठा के जो कांग्रेस के पक्ष में ये लगातार प्रचार करवा रहे थे वो सब कुछ करवा के देख लिया, लेकिन जनता ने जवाब दे दिया कि आप हरियाणा की सत्ता डिजर्व नहीं करते, और बीजेपी को तो हरियाणा की जनता चाहती नहीं थी, तो डेफिनेटली अगली बार इनेलो की अकेली इनेलो की सरकार होगी, और क्यों पड़े हो चक्कर में ना होगी कांग्रेस ना होगी बीजेपी टक्कर में, क्योंकि बीजेपी से तो अभी भी एंटी इनकन्वेंसी बहुत थी, भाजपा वाले भी जानते हैं कि भाजपा नहीं जीती है, असल में बुरी तरह से कांग्रेस हारी है, ये हुआ है हरियाणा में। ठीक है अनिल जी, ठीक है, प्रतिक्रिया दोनों से ही लूंगा मैं, कांग्रेस प्रवक्ता जी से भी और जो है यहाँ बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी। नरेश जी आप क्या कहना चाहेंगे, और जिस तरीके से जो है आगामी रोड मैप दिखाई दे रहा है, और अगर बात करें हरियाणा की तो यहाँ पर जो है सीएम नायब सैनी ने एक तो डायलिसिस फ्री किया, उसके बाद जो है 25,000 युवाओं को भर्ती देना हुआ, तो ये कामों को जो है मैनिफेस्टो में जो काम किए थे, और उन्होंने साफ तौर पर उनके नुमाइंदे भी उनके प्रवक्ता उनके जो मंत्री हैं सब यही दर्शाते नजर आ रहे हैं कि अब देखिए धरातल पर जमीनी स्तर पर काम जो है शुरू होना हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे और आगामी जो बैठक है और ऐसे में किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे विधानसभा सत्र को? आपके दर्शकों को और सभी साथियों से सरकार के लिए जो आज आपके जो शुरुआत में चैनल के अंदर ये लिखा रहे थे कि एक्शन मोड में आ गई मंत्री को या विधायक को, तो 10 साल से सरकार यही थी कि एक्शन मोड में मतलब जो इनके मंत्री हारे हैं या जो मंत्री इनका टिकट कट गई है उन लोगों ने काम किया, जो एक्शन मोड पे गए कि वो एक्शन मोड के लिए कोई सिंगम बन गया क्या कोई या कोई मूवी देख ली इन्होंने कुछ चेंज हो गया, नायक मूवी हमें आप देखी है या पहले देखी, इनको वो समझ में नहीं आ रहा ये एक्टिंग वाली ज्यादा कर रहे हैं दिखाने के लिए क्योंकि कैसे ना कैसे पक्का आपने भी ये चीज हुई है ऐसे जो कह रहे हैं, लेकिन वहां पे कहीं ना कहीं जो 10 साल के अंदर जिनकी पूर्व विधायक थे उनके पास काम देखे कि वो भी वहीं थे, आपके जो कैंडिडेट आए हैं वो उसके रिप्लेस करने के बाद में वो दिखा रहे हैं मूवी की आप अपने ही नेता को दिखा रहे हैं कि आपने काम नहीं किया, और जो आपको एक चीज मैं बताऊँ की 2014 का अभी क्योंकि मेरे को भी नहीं लगा कि अभी आप लेखना चाहिए थे एक्शन में जो जनता के मुद्दे थे वो जो मैनिफेस्टो थे वो तो पूरे हुए कभी 2014 के अभी, और जो बैठा मैं आपको बताऊँ प्रदेश में 24 घंटे 2014 का बताया हूँ प्रदेश में 24 घंटे बिजली और प्रत्येक घर से शुद्ध जल आपूर्ति के लिए हमें लिखा हुआ था, बताया मेरे पास डॉक्यूमेंट है ओपन किया हुआ लेकिन कहीं नहीं मिला हरियाणा के अंदर, पर्याप्त बजट में प्राथमिक शिक्षा प्रणाली स्तर का ऊंचा उठाकर इसे विश्व स्तरीय बनाएंगे वो कहीं नहीं हुआ, स्कूल कॉलेज जाने के लिए छात्राओं को रोडवेज बैठों के अंदर आप बता दीजिए, या मैं राजा गांधी से पूछा चाहता हूँ कि उन्होंने बोला था कि सुरक्षा गार्ड निशुल्क यात्रा वो कहाँ पे हुआ, कोई सुरक्षा गार्ड नहीं मिलता किसी भी सरकारी बसों के अंदर, तो आपके मंत्री बदले कुछ भी है इसके अंदर, ये मैनिफेस्टो 2014 का बहुत सारी बातें जो आपका पूरी हुई 2019 का मुझे न्यूज में बताया था छोटी सी बातें, जो मैं तो चाहता हूँ कि ये सरकार अगर जनता ने आपको मौका दिया जनता ने भरपूर प्यार दिया आपको तो जनता तक जो आपने वादे किए हैं उसको पूरा कीजिए, जैसे कि आपने देखा कि
नया सिंह सही अपनी बात से मुकर गए, 2100 रुपए कह रहे थे कि आज कह रहे थे 5 साल का मौका, लेकिन आपने कहीं ना कहीं नया सिंह सैनी ने खुद कहा था कि हमारी सरकार बनते ही 2100 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो है अपने वादों के अंदर विफल हो जाएंगे। जो पक्के घरों का लक्ष्य था वो एक बात ये 2019 का मैं आपका मैनिफेस्टो बढ़ता वर्ष 2022 तक सभी को पक्के आवास देने के लिए, लेकिन अभी तक तो जमीनें नहीं दे सकते, आवास कहाँ से दिए जाएंगे उनको, प्रॉपर्टी तो दीजिए जब आप घर बनाएंगे उसके लिए। हरियाणा में सभी श्रमिकों को सुगम जीवन यापन के लिए समर्थ आवास परिसरों का निर्माण करेंगे, ये इनका मैनिफेस्टो है। जय जवान आवास योजना के तहत पूर्व सैनिकों के लिए आवास नुमा व्यक्ति दिलाएंगे, वो भी नहीं मिला आज तक इन्हें, जो जोखिम भरी खेती के लिए बहुत सारी चीजें हैं बेबुनियाद, जो आज तक इनके जो वादे हैं नए वादे लेके आ जाते हैं, पुराने वादे पूरे नहीं। अब तो फर्क होंगे, जनता ने इनको मैंडेट दी है, पिछली बार पूरा मैंडेट है, जनता तक वादे पूरे कीजिए जो आपने अपने मैनिफेस्टो को लेके आई है, नहीं तो देखो आम आदमी पार्टी हमसे संघर्ष करेंगे, जमीन के ऊपर संघर्ष करेंगे, जो वादे आपने किया उन वादे तक अगर आपने पूरा नहीं किया, हम जनता तक मुद्दे उठाएंगे और जनता तक बताएंगे कि ये आप तक वादे किए गए। और मैं तो अभी से ही इस चीज से शुरुआत करने वाला हूँ कि अब जो घर घर जो 2014 के मेन पॉइंट है और 2019 के पॉइंट का बीच में निकाले कि बाकायदा आपने घर जाके सोशल मीडिया के थ्रू ये बाकायदा लोगों तक जाके ये दिखाएंगे कि आपका अधिकार था, 10 साल आपने सरकार की अधिकार से आपको नहीं दिए गए, और ये 5 साल के अंदर जिनके अधिकार हैं ये आप अगर आपको नहीं पहुंचाते तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन अभी जो है हमारे पास 4 साल है, 4 साल के अंदर पूरी तरह मेहनत करेंगे, जनता तक मैसेज पहुंचाएंगे। आज देखिए हम ये कहते हैं केजरीवाल भी बोलते हैं कि हम शिक्षा के लिए, आज कोई बात नहीं करता किसी पार्टी के अंदर, माननीय मोदी जी भी नहीं कहते क्योंकि खुद उस तरह की पढ़ाई नहीं करी, तो वो कम से कम आगे किसी बच्चे को क्या सोचेंगे कि पढ़ाई के लिए, क्योंकि आप पूछे कोई भी पार्टी से कि वो बोलते हैं कि हम आपको एक अच्छी शिक्षा देंगे, कहीं ना कहीं वो शिक्षा में विफल करते हैं, क्योंकि शिक्षित करना भी चाहते हैं देश को, शिक्षित करने रोजगार आएगा, रोजगार आएगा तो आपके पास नेता भी आएंगे, लेकिन आज जो पैसे की राजनीति होती है टिकट के लिए भी आपने देखा भाजपा के अंदर कुछ ऐसे ऐसे लीडर्स को हमने देखा कि जिनका कभी भी उस क्षेत्र से लेना नहीं, पैसे के वहां से टिकट लेके आ रहे हैं, जीत भी रहे हैं वहां पैसे के, तो आजकल जनता को सिर्फ और सिर्फ बहकाने का काम किया जाता है, पैसे के लालच के अंदर दिखाया जाता है, जनता को अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुछ लेना देना नहीं, जनता को रोजगार के लिए कुछ नहीं लेना, जनता को जो है आपने देखा स्कूल के लिए अपने बच्चों के लिए, लेकिन जब उनके ऊपर ये प्रॉब्लम आती है जब वो बोलते हैं कि आज स्कूल वालों ने इतनी चीज पढ़ा दी, ये सरकार को बड़ी कमी है, लेकिन उसके लिए आवाज कोई नहीं उठाता, जब आपको जब मौका मिलता है तो इसके लिए वो आवाज नहीं करते कहीं भी, दिल्ली के अंदर हमने देखा कि बकायदा पैनल बनाया हुआ है कि आप स्कूल चीज नहीं करा सकते, लेकिन जो भी मार्च का समय आता है ना हर पेरेंट्स बड़ा दुख होता है कि ये तो देखो स्कूल वालों ने जो है ना इतनी फीस बढ़ा दी, इतना ड्रेस का ले लिया, जो है विश्वास नहीं है कि सरकार जो धरातल पर भी काम करेगी या नहीं करेगी। आपने जिस तरीके से आरोप लगाया उसका प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूँ। रामराजी शर्मा जी, एक तो जो है आप नरेश जी को भी सुना और नीरज जी को भी और अनुसूरा जी को, अनुसूरा जी कहती हैं कि यहाँ पर जो है आपकी पार्टी जीती नहीं है, कांग्रेस हारी है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंस में थी, और नीरज जी कह रहे हैं और नरेश जी भी कह रहे हैं कि कार्य आपके दिखाई नहीं दे रहे हैं, मैनिफेस्टो में जितने भी आपने वादे किए हैं वो धरातल पर दिखाई नहीं देंगे, और किस तरीके की राजनीति होती है वो यहाँ पर इंडिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। रामराजी जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी और जो है इस पूरे मामले? इन सब की बातों का जवाब मैं देता हूँ। पहले तो मैं कांग्रेस वाले भाई की बात का जवाब दूंगा। जिस तरह से इन्होंने 5 सीटें लोकसभा में हासिल करी जीती, वो सरासर झूठ बोल के तस्वीर खोदी करके इन्होंने 5 सीटें जीती थी। इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख रुपए आएंगे, 8.5 हजार रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट फटाफट झूठे गारंटी कार्ड तक इन्होंने बहनों को बांट दिए थे। मतलब इतनी शर्म की बात क्या होगी, बहनों को भी नहीं बख्शा, झूठे गारंटी कार्ड तक बांट दिए थे, वो गारंटी कार्ड ले लेकर बहनों के पीछे पीछे दौड़ रही थी या आगे आगे दौड़ रही थी, तो इनकी कार्ड की हंडी एक बार चढ़नी थी, चढ़ चुकी थी। जनता में भारी प्रतिशोध था, बदले की भावना थी जनता में, इनके प्रति बहुत ज्यादा नफरत थी, जनता बदला लेना चाह रही थी, इनकी झूठ का बदला लेना चाह रही थी, और इस तरह से इनकी झूठ का पर्दाफाश मैं अपने कार्यकर्ताओं को जो देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, मैं उनका भी हार्दिक अपने संगठन का भी हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूं। उन्होंने घर घर जाकर इनकी झूठ का पर्दाफाश कराया, और जिस तरह से इनकी काट की हंडी एक बार चढ़नी थी चढ़ चुकी, और ये अभी 2-4 सीटें ये फालतू जीते हैं, इनकी तो सीट आधी आनी थी, वो थोड़ी बहुत जगह हमारा कार्यकर्ता एक आध जगह नहीं जा पाया,
तो इसलिए दो चार सीटें फालतू जीत गए, नहीं तो हरी प्रतिशोध की भावना थी जनता में, तो जनता ने तो इनसे बदला लेना था, इन्होंने तो झूठ की फैक्ट्री लगा ली थी। इस तरह से झूठ की फैक्ट्री, अगर कोई झूठ बोलने में नेशनल अवार्ड घोषित कराया जाना तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय अवार्ड घोषित तो जीत सकती है झूठ बोलने में, झूठ की फैक्ट्री है इनकी, तो मैं रोज झूठ आना झूठ बोलता ना इनके प्रवक्ताओं के अभी भी कहाँ खुश है सर, ये संतुष्ट कहाँ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो है दिग्गज नेता भी कह रहे हैं कि हम तो आगे तक जाएंगे लड़ाई लड़ेंगे। चलो ये तो जनता है, जनता जनता जनार्दन है, ये कहीं तक चले जाओ, जनता ने वोट देना था दे दिया, जनता ने जिसको चुनना था चुन लिया, अब जहां आप ये बताओ, इनकी बात पर आ जाता हूं, आप जो मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं उसका मैं आंसर दे रहा हूं। जी, जहां जहां ये जीत जाते हैं वहां तो सब कुछ ठीक होता है, ये मशीनें भी ठीक होती हैं, ईवीएम मशीनें ये भी ठीक होती हैं, सब कुछ ठीक होता है, और जहां ये हार जाते हैं वो हार का ठीक रहे मशीनों को ऊपर फोड़ देते हैं, ये दोहरा मापदंड क्यों, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं। नीरज जी आपके पास आऊंगा, जिन प्रदेशों में बिल्कुल संक्षिप्त में जवाब लूंगा नीरज जी मैं आपसे, जिन प्रदेशों में इनकी सरकार बनी है डिटेल्स में आपसे वहां तो कुछ बोलते नहीं, आ रहा हूं मैं आपके पास, जहां ये हार जाते हैं वहां पर हार का ठीक रहा है मशीनों पर फोड़ देते हैं, ये हो गया वो हो गया वो हो गया, ये रोना धोना शुरू कर देते हैं, और जिस तरह से इनकी कांग्रेस में कई कांग्रेस है, मैं आपके पास लौट रहा हूं, आपको बताता रहा हूं, इनकी कांग्रेस में भी कई कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं शैलजा बैनर्जी कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, कहीं भी इस्तीफा दे दिया वापस ले लिया, दे दिया वापस ले लिया, इन उन्होंने भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं इनके नेतृत्व के ऊपर, तो वो अलग सब्जेक्ट है, तो इनमें तो आपस में लठम लठा हो रहे हैं, इनकी सीटें जो बटी थी, इनकी टिकटें बटी थी, उसमें भी भेदभाव, इन्होंने 20,000 रुपए ले लेके आवेदन पत्र लिए थे, 20,000 की पर्ची काटी थी, अरे 30,000 रुपए लेके इन्होंने एक एक हल्के में 20,000 रुपए ले लिए, अब वो 20,000 वाला क्या हल करेगा, जो 20,000 रुपए देगा आवेदन के लिए टिकट ना मिलेगी इनका क्या हल करेगा, दूसरा इन्होंने ये कहते हैं भेदभाव नहीं करते, ये राष्ट्रवादी बनते हैं, अरे जिस तरह से भेदभाव आपने टिकट बांटने में किया, ब्राह्मणों को कितनी टिकट दी ने, सिर्फ चार ब्राह्मणों को वोटों की बात देखते हैं तो वोट देंगे, दलित भाइयों का जिस तरह से एसटीबीसी समाज का इन्होंने विरोध कराया, एसटीबीसी समाज का क्या किया इन्होंने 58 साल का आज हरियाणा हो गया, आज हरियाणा 58 साल का हो गया, ना तो इनने एसटीबीसी समाज से कोई सीएम बनाया, ना इन्होंने डिक्लेयर किया, हमने बनाया ओबीसी समाज से सीएम और अगला मुख्यमंत्री भी हमारे चाणक्य ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो लोक रूप के नाम से भी चाहते हैं हमारे चाणक्य हैं, उन्होंने अगला मुख्यमंत्री भी नायब सिंह सैनी जी को डिक्लेयर किया और दोबारा बना भी क्या अपने किस तरह से दोबारा नायब सिंह सैनी को बनाया, प्रतिक्रिया लूंगा लेकिन ठीक है मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना है और ब्रेक के उस पार जो है नीरज जी मैं आपके पास आऊंगा और आपसे प्रतिक्रिया लूंगा, लेकिन सवाल लगातार यही उठ रहा है कि जिस तरीके से अब जो है 25 अक्टूबर से जो है विधानसभा सत्र शुरू होगा और क्या जो जनता ने जनार्दन दिया है आने वाले समय में जो है जो मंत्रिमंडल तैयार हुआ है और जो सरकार यहाँ चुनकर जो है हरियाणा में बिठाई है, सरताज जो है उनका जनता ने किया है, अभिवादन किया है, क्या उनकी जो उम्मीदें हैं अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतर पाएगी, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जो है चर्चा लगातार जारी। नमस्कार दोस्तों, आजकल नई दिल्ली में रानी झांसी रोड पर लगी रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति की शिफ्टिंग की खबर सुर्खियों में है। दरअसल झंडे वाला चौराहे पर ट्रैफिक सिस्टम को स्मूथ करने के लिए इस मूर्ति को शाही ईदगाह के पास डीडीए पार्क में शिफ्ट किया गया है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईदगाह मैनेजमेंट ने इसका विरोध किया। यह देखकर साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ गया, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजा याब क्या हुए। हालांकि मुस्लिम समाज के बेतु के विरोध को देखते हुए पुलिस फोर्स के साथ संगीनों के साए में मूर्ति को डीडीए पार्क में शिफ्ट
कर दिया गया है, लेकिन ईदगाह मैनेजमेंट ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट की पहले सिंगल बेंच में और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उसे हार का सामना करना पड़ा। डिवीजन बेंच ने फटकार लगाते हुए यहां तक कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय हीरो हैं, उनको धार्मिक रूप नहीं देना चाहिए, वो सभी धार्मिक सीमाओं के परे हैं। आप इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं और वो भी कोर्ट का इस्तेमाल करके, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दोस्तों, हमारा ऑफिस रानी झांसी रोड पर ही है, इसलिए मैं हर रोज मूर्ति की शिफ्टिंग के अरेंजमेंट पर लगातार नजर रख रहा था। इस पूरे इंसिडेंट को देखते हुए मुझे 30 साल पहले का वो किस्सा याद आ गया जब मैं आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार गया था। वहां भारत माता का मंदिर भी है। वहां मेरी मुलाकात मंदिर की स्थापना करने वाले महान संत स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज से हुई। मुझे इस बात को बताते हुए गर्व महसूस होता है कि स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने ही 2003 में साधना टीवी चैनल का उद्घाटन किया था। उन्होंने मुझे खुद भारत माता मंदिर के दर्शन भी कराए। 8 मंजिला इस मंदिर में पहली मंजिल पर भारत माता की मूर्ति लगी है और दूसरी मंजिल पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें और मूर्तियां स्थापित की गई हैं। उनका मानना था कि आजादी की लड़ाई में जिन्होंने भी अपने प्राणों की आहुति दी या उसमें जी जान से हिस्सा लिया, वो सभी हमारी देवताओं के समकक्ष हैं। अब आप खुद सोचिए कि एक और हिंदू मंदिर में आजादी के परवानों की देवी देवताओं के बराबर दर्जा देकर उन्हें स्थापित किया गया और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ईदगाह के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है। ऐसे में इन लोगों की मानसिकता क्या होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिनकी बदौलत आज हम और आप और विरोधी मुस्लिम समुदाय भी आजादी की खुली हवा में सांस ले रहा है, मुझे लगता है उन शहीदों का विरोध करना उनकी राष्ट्र विरोधी सोच को दर्शा रहा है। ब्रेक के बाद मसला में स्वागत है और मसला में चर्चा लगातार जारी है। सवालों का जो दौर है वो यहाँ पर पैनलिस्ट से लगातार हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हरियाणा के भीतर जो है किस तरीके से जो है सुगबुहाट दिखाई दे रही है और साथ ही साथ अगर बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष किस तरीके से जो है भूमिका निभाता हुआ जो है अपने जो है नजर आएगा। और साथ ही साथ सवाल ये कि विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष के तौर पर जो है नेता प्रतिपक्ष किसको चुना जाएगा, इसकी अभी जो है अटकलें लगातार बनी हुई हैं। तो लगातार जो है सवाल यहाँ पर जिस तरीके से ब्रेक से पहले रामराजी शर्मा जी मैं आपके पास था और आपने जिस तरीके से कांग्रेस को कटघरे में लिया, तो मैं जानना चाहूँगा नीरज जी मैं आपके पास आता हूँ और जो है तमाम सारे जो आरोप आपके ऊपर लगते आए हैं या फिर वो ईवीएम के माध्यम से हुए हों या फिर मैं आपकी जिस तरीके से हार आपको यहाँ पर दिखाई दी हरियाणा में, चाहे वो अनुसूरा जी ने आप पर जो है टिप्पणी की हो चाहे वो रामराजी शर्मा जी ने, और किस तरीके से आप प्रतिक्रिया देना चाहेंगे। और सर मैं सवाल आपसे ये भी लेना चाहूंगा कि अब नेता प्रतिपक्ष की जो अटकलें हैं वो किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस तरीके से हटती हुई नजर आएंगी, कौन आपकी तरफ से जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो है यहाँ पर दिखाई देगा। मैं नेता प्रतिपक्ष का जवाब देता हूँ। जो वाले रोजर माकन जी गहलोत जी और जो आए थे उनको एक फेस टू फेस सब विधायकों से चर्चा करी है, मिले हैं, उन सब विधायकों ने अपने नेता का नाम बता दिया है और बाद में उद्धव साहब ने बोल दिया है और सभी नेताओं विधायकों ने बोल दिया 30 कि सत्य जो विधायक जो हाईकमान फैसला लेगा वो सबको मंजूर होगा और नेता प्रतिपक्ष कोई बन सकता है जिसे विधायक चाहेंगे, जिसे हाईकमान चाहेगा और जो पक्ष को मजबूती से निभाए वो नेता प्रतिपक्ष का दावेदार। देखिए आप मजबूत स्थिति में इसमें शक नहीं, ये दूसरों के सीटों कहते हैं 2-4 फालतू, 28-29 सीट हमारी आई 37 उनको कहते हैं 2-4, शायद पढ़ाई लिखाई का फर्क है, इनको कैलकुलेशन नहीं आती। अगर मैं इनको 40 को कह दूं 2-4 तो कितने हुई भैया 44, फिर तो आप बहुमत से पीछे है, इसलिए पहले आप करेक्ट कीजिए अपना आप। नहीं नहीं पहले करेक्ट कीजिए पहले आप, नहीं नहीं करेक्ट कीजिए पहले करेक्ट, 8 सीटें बढ़ी हैं, 8 सीटें बढ़ी हैं, तो दिमाग से काम पे आपकी भी 8 बढ़ी हैं, आपकी भी 8 बढ़ी हैं,
अगर मैं 100-104 बुलाऊं तो आपको ही पीड़ा होगी, 40-42-43 मुझे 100 समझ के बोला करे, इतना झूठ मत बोला करो, ऑन कैमरा रिकॉर्ड बात है। मेरे भाई अपनी वादे पूरे करो, हमारी चिंता मत करो, हमारी पार्टी में क्या हो रहा है मुझे तो आश्चर्य है, आपको अभी भी हमारी पार्टी की चिंता खाई जा रही है, कितनी चिंता खाते हो हमारी पार्टी, कितनी चिंता करते हो, शहजा बहन जी हो क्या हो रहा, ब्राह्मण जी हो क्या हो रहा, आप हमारी पार्टी में आ जाओ, प्रवक्ता पद आप संभाल दो, मैं सिफारिश करूंगा, आपको कितनी चिंता हो रही है, आपकी सरकार बन गई, आप हरियाणा की जनता की चिंता कीजिए, जो आपने 30-35 हिस्सों को वादे किए उसको पूरा करने में ध्यान दीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए, हम तो विपक्ष में है मजबूत में, हम तो चौकीदार की तरह लठ लेके बैठे हैं, तो आपके संकल्प पत्र पे कि जो वादा नहीं पूरा कर लठ बजाएंगे, लठ पहले विधानसभा में बजेगा और ना बजाएंगे तो सड़कों में बजाएंगे, हमें तो आदत है बजा देंगे, यहाँ सत्ता भैया सुनो 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 आप मेरी सुनो सही भैया मेरी बात तो सुनो मेरी बात तो सुनो मेरी बात तो सुनो अरे भाई मेरी बात तो सुनो अरे इसे चुप पड़ा भाई तो हमें 10 साल देखिए 10 साल हमें सत्ता में सत्ता विरोधी रह में होते 10 साल में हमें विपक्षी आवाज उठाई है तो हम पांच साल और विपक्ष में जाएंगे, आप अपने अपने वादों की चिंता कीजिए, अपने वादे पूरे कीजिए, हम अपने एक एक वादे पे हमारी नजर है, जो वादे पूरे नहीं किएंगे हम विधानसभा में आवाज उठाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, इसलिए आप अपनी सरकार पे ध्यान दिए, जनता ने आपको चुना है, आप अपने पे ध्यान दीजिए, आपको सरकार ने जो वादे किए जनता की उम्मीदों पे खरा उतरना है, क्योंकि आपने 27 साल के शेख चिल्ली के सपने ले रखे हैं, इन्हीं 5 साल के जो घोषणा पत्र के आधार पर कि अगले 27 साल नहीं जाएंगे भैया, ठीक है भैया मत जाना, वादे तो पूरे करो महाराज, अभी तो महाराज कुछ भी नहीं हुआ, नहीं पहले पीस यात्रा दिखा दू डायसिस, वो तो कह रहा हूँ आप दूरदर्शी हो ना महाराज, महाराज दूरदर्शी हो ना महाराज, महाराज अरे पंडित जी महाराज सुन लो, पंडित जी महाराज सुन लो, अरे पंडित जी महाराज सुन लो, अरे आपने कुंडली देखी है क्या, आप तो पंडित जी हो कुंडली दे सकते हैं, हमें तो कुंडली का ज्ञान नहीं भैया, हम तो कर्म विश्वास करते हैं, ये तो आप अपने कुंडली देखी होगी, बीजेपी जी अपनी देखी होगी, 27 साल बात करेंगे आपके, मोदी जी भी 2014 में सपना देखते थे, अरे सुनिए सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, अरे भाई सुनने की क्षमता रखिए, अरे सुन तो लो सुनना है भी, अभी जबरदस्त करनी है, अरे सरकार बन गई, एक मिनट सुनो सुनो, अरे पंडित जी अपनी आदत सुधार लो, अब तो सरकार बन गई, बीच में क्यों बोलते हो, अब तो सरकार बन गई ना, इतना बोलने से हाइपर, इतना बोलने से बात का जवाब दे रहा हूँ, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ ना, 2014 में मोदी जी भी क्या करते थे, अगले 5 साल में कांग्रेस मुक्त भारत बता रहे अमित शाह, मोदी जी सपना देखते थे, क्या हुआ कांग्रेस मुक्त भारत, कोई क्या कांग्रेस मुक्त भारत, तो सपने देखो, सपने देखने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ऐसे सपने मत देखो जिससे नुकसान हो, और हाइपर मत हुआ करो, अब तो सरकार बन गई, पहले भी ऐसे चिल्लाते थे अब भी चिल्लाते थे, थोड़ा तो आप करेक्शन कीजिए अपने आप में, अब आपकी सरकार है, आपको शालीनता से बात करनी चाहिए, बीच में पहले भी टोकते थे अब भी टोकते हो, कोई सुधार नहीं आप में, अरे कुछ सुधार करो सरकार की तरफ को, आप ये बता के जाइए जाने से पहले, और सब भाइयों को आज चैनल के माध्यम से बताइए, जनता को बताइए 21 करोड़ डैने खाते में कब डालोगे भाई, 1 साल में या लास्ट के 5 साल में या इलेक्शन से 2 महीने पहले जो अगले 5 साल आएंगे या अगले 27 साल में डालोगे, ये बता के जाना भाई साहब, और 500 वर्ष सेंटर कब मिलेगा, 2025 से 2026 से या 2027 से, यह मिलेगा ही नहीं, ये भी बता के जाना। तीसरी बात, हरियाणा पे अपना फोन खोल लो, साढ़े जब से आपने सरकार आई थी 4.5 लाख का कर्जा आपने छोड़ा था, और 22 अच्छा वो कर्जा आपके ऊपर ही है कि सरकार आपके बनी है, 22 कर्जों को मत बढ़ाना, सारी घोषणाएं कर्जा ले लेके बाहर हो गए, और 4.5 लाख का पता चले 2029 में कर्जा हो गया 9 करोड़, और पहले तो एक हरियाणी पे 1,23,608.27 रुपए कर्जा था, अब ये ना हो कि 2029 आते थे हर एक हरियाणा वासी पे कर्जा हो जाए 2 लाख से ऊपर, ये ध्यान रखना भाई साहब, नायब सैनिक को समझाना, तो नायब सैनिक को पता तो है नहीं, वो तो हर आदेश के लिए दिल्ली जाते हैं, कल भी दिल्ली परसों भी दिल्ली, वो तो मंत्रिमंडल का बता रहे हैं कि तब दिल्ली, अब आगे जो सरकार के ना तब दिल्ली, दिल्ली के बिना तो बात बनी नहीं पाएगी। दूसरा, अम्बाला में किसान दोबारा एक्टिवेट हो गए हैं, जरा उनको संभालिए, कहीं बेचारे नीलवित जी का क्या कसूर, हम तो फिर घेर के बैठ जाएंगे, अनिलवित जी की तो बेचारी किस्मत खराब है, अम्बाला किसान घिरना शुरू हो जाते हैं, आपने टीवी चैनल पे देखा होगा, तो किसानों को समझाइए, तो अपनी जनता पे ध्यान दीजिए, जनता से वादे किए तो पूरे कीजिए, हाँ तो आप जनता, मैं फिर भी हरियाणा सरकार से अपेक्षा करता हूँ, आप जनता के हित में काम कीजिए, कोई भी सरकार बने मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, जहां विपक्ष का साथ होगा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, सही बात में आपके साथ खड़ा है, गलत बात में आपके साथ नहीं देगा,
हमारा आपसे ये सहमत। ठीक है अनुजी, आप कुछ कह रहे थे, आपकी प्रतिक्रिया। और दूसरी चीज जो है, कांग्रेस लगातार ये हमलावर है और कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे खेमे में नजर डालने की क्या आवश्यकता है, हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक ठीक तो चल रहा है, वो तो देख लिया जनता ने, फैसला लेगा कि और कौन चेहरा नेता प्रतिपक्ष का होगा। प्रतिपक्ष का चेहरा तो देखो वो समय बता देगा, लेकिन मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम बीजेपी के शपथ पत्र पे नजर रखेंगे और 5 साल लठ बजाएंगे। लठ इनके आपस के तो पहले बंद हो, लठ तो इनके आपस में बज रहे हैं। असली बात तो ये है कि शैलजा ने वो काम कर दिया, मैं मरी तो मरी तन्ने भी ले मरी। शैलजा बहन जी ने ऐसा डोरा किया है हुड्डा साहब का। ये तो मतलब जब जब तक जीवित है तब तक भूलेंगे नहीं। शैलजा जी ने ऐसा पक्का डोरा किया है और मैं बड़ी शुभकामनाएं देती हूँ शैलजा जी को, सही ताबीज बना दिया हुड्डा साहब का। तो ये कहते हैं कि ईवीएम खराब थी, कांग्रेसियों के पास और कोई हथियार नहीं बचता तो कहते ईवीएम खराब थी। ईवीएम खराब नहीं थी, हुड्डा साहब की नीयत खराब थी। असली बात तो ये है, पूरे हरियाणा की जनता ने देख लिया है कि ईवीएम तो ठीक चल रही थी, हुड्डा साहब की नीयत में प्रॉब्लम थी। और ये तो जानबूझ के आ रहे हैं, इन्होंने सीटें ही ऐसे बांटी हैं कि भाजपा निकल जाए बीच में से। हालात जो हरियाणा के हैं वो बहुत खराब हैं, जनता को बेबस करके छोड़ दिया। लोगों को लोगों ने देखी है गंदी राजनीति इस बार जो हुआ है। अब मैं सीरियस नोट पे बात करती हूँ, लोगों को रास्ता नहीं मिला वोट डालने का, ये हालात कांग्रेस ने कर दिए। और उसका देखो बेनिफिट तो बीजेपी को मिलना ही था क्योंकि बीजेपी सत्ता में भी थी। और हाँ, अब ये कह रहे हैं कि हम लठ बजाएंगे 5 साल। आप लोग 10 साल पिछले 10 साल कहाँ थे? कौन वो लठ बजाने वाले तो शेर सुनाया करते आप लोग, तो अब आए कलश बजाने ध्यान। तो ये जो बात कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस को पूरा हरियाणा में अब कोई सीरियसली नहीं लेगा। कांग्रेस तो मजाक कर रहा हूँ, आप बोल लीजिए इत्मीनान से, आऊंगा मैं आपके पास आऊंगा। कांग्रेसी तो अब कॉमेडियन की भूमिका निभा सकते हैं। इनको कांग्रेसियों को सुन के देख के मीडिया में सोशल मीडिया में छती है जो इनके साथ हुआ है। ये कांग्रेसी इतनी बुरी तरीके से इस विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे थे। हम मैं इनेलो पार्टी की हूँ, लेकिन देखो सब कुछ दिखता तो इसी समाज में होता है। हंसी आती थी कि कर क्या रहे आपस में, ये हो क्या रहा है। चलो ठीक है, सबको टिकट नहीं मिला करती, चुप तो खींच जाओ। ऐसे प्रवक्ता को ट्रेनिंग दी जाती है इनेलो में कि दूसरे की हार से दुखी ना हो गए, अपनी हार में कोई मंथन नहीं है, अपनी हार में कितने मुस्कुरा रही है और हमारी हार में मुस्कुरा रही है। अगर हमारी हार से आपका बीपी बढ़ता हो, खून अच्छा होता तो आप हंसते रहिए। हम तो 37 में है, आपको 37 आते थे 37 साल लग जाएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, इनेलो खत्म हो गई पार्टी। और आपकी जो पीढ़ी के प्रवक्ता थे, पीढ़ी के वो पीढ़ी थे, वो पोते आ गए, दादा खत्म, चाचा खत्म, दादा ने पोतों को निमटा दिया, पोते ने दादा को निमटा दिया, अब नए पोते आ गए हैं, वो पीढ़ी संभालेंगे। इसलिए आप अपनी चिंता कीजिए, लेकिन आप हम पे हमारी इतनी चिंता कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। आपकी पार्टी का क्या होगा, आपकी 2 स्थिति 5 साल बाद क्या होगा, 40 आएंगी 47 आएंगी, ये तो बताते जाइए। बता देती हूँ, अगली बार राज हमारा ही बनेगा। आप लोग फिर लठ बजाना, आपके पल्ले लठ बजाना ही बचे। मैं बता देती हूँ, आपने कही बात मंथन की, देखिए मंथन यहाँ टीवी चैनल पे बैठ के नहीं होता। मंथन भी करेगी पार्टी, जो भी हालात हुए, बिल्कुल इनेलो की भी कई कमियां रही और हम उन कमियों पे मंथन करेंगे, लेकिन हमारी पार्टी एकजुट है। अच्छे बुरे दिन आ जाते हैं, वो कोई तो नीरज जी कह रहे हैं हमारी भी पार्टी एकजुट है। हाँ जी, नीरज जी भी तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की तरफ मत देखिए, हमारी पार्टी तो बिल्कुल एकजुट है। हाँ, जो इनकी पार्टी एकजुट है, इनकी पार्टी से मेरे को कोई शिकायत नहीं है, बेचारे है ही नहीं हरियाणा में, इनसे क्या शिकायत है। मैं तो ये कह रही हूँ कि अच्छा बुरा वक्त राजनीति में आता है, लेकिन इनेलो के अंदर डिसिप्लिन तो है। चलो टिकट सबको नहीं मिलती, 20-20 हजार कैंडिडेट जो इनके थे कांग्रेस के, लेकिन इतना खुलेआम विरोध। अरे आपको आपका अगर कोई कंपटीटर है, आप उसके लिए वोट मांगने मत जाइए, लेकिन ये तो दूसरी पार्टी के लिए वोट मांगने निकल पड़े। तो हमने जो हालात देखे हैं कांग्रेस के,
ये तो साफ हो गए परमानेंट हरियाणा से। अब मैं ये कहती हूँ क्योंकि अब जिसको जनता में परसेप्शन बना के ये दिखाया जाता था कि मुख्य विपक्षी पार्टी तो कांग्रेस है, उसके हाल जनता ने देख लिए और अब जनता का रुख होगा लोकदल की तरफ, जो हरियाणा की सबसे पुरानी पार्टी है, जिसने बहुत बार हरियाणा में सत्ता बनाई, किसान कमेरे वर्ग के लिए खूब काम किए थे, वो इतिहास हरियाणा जानता है। इस बार एक मौका दे के देखना चाहते थे कि हुड्डा साहब शायद कुछ कर दें, लेकिन देख लिया कि कुछ नहीं है, जोड़ी खाली है। इस बार लोग इनेलो का साथ देंगे और इनेलो राज बनाएगी। राम राजे जी, आपकी तो इसका सूत आ गई, कोई बात नहीं, चलो आ जाती है राजनीति में, लेकिन ये हुड्डा की मैं आपको तो हुड्डा को माथुराम की जलेबी खिलानी चाहिए, हुड्डा की मेहरबानी से आपका राज बन गया, लेकिन अगली बार सत्ता लोकदल की बनेगी और हम कांग्रेस बीजेपी दोनों को माथुराम की जलेबियां हम भी खिलाने का काम करेंगे, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन देना चाहती हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नीरज जी, क्या जो है कीजिएगा, चूंकि नरेश जी के पास जाना है मुझे, फिर रामराज जी 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 नरेश नीरज जी ये आपके जो कैंडिडेट आए क्या कि हमने कांग्रेस पार्टी को 20,000 रुपए दिए, 5 ऐसी बातें करते हैं, मतलब पार्टी इंटरनल मैटर में भी पता नहीं ऐसी बातें करें, हमारी मर्जी हम तो उनको 20 फ्री में दे, 5,000 ले, 20 जब तेरी कैसी पीड़ है, बे मतलब टेंशन में रहने की आदत है। अरे सरकार आपकी बन गई, इनकी सरकार बन गई, टेंशन में रहते हैं, उनकी बनी नहीं तो वो वैसी टेंशन में है, अपना मंथन करती नहीं, सारी डिबेट सिर्फ कांग्रेस की तरफ। अरे बहन जी अपने मंथन भी कीजिए, अपनी पार्टी का बताइए, अच्छा रोड मैप बताया अपने 5 साल, शुक्र है उनकी तरफ 27 साल नहीं बताया, ये तो लड़ाई हो जाती है आपस में कि 27 साल वो राज करेंगे, 27 साल आप करेंगे, तो पहले डिसाइड कर लीजिए। देखिए बोलना चाहिए, बोलिए अपनी पार्टी के पक्ष रखिए, हमारी पार्टी में क्या हो रहा है किसी को झांकने की जरूरत नहीं, नाम बीजेपी में झांक रहे, यूं तो मैटर तो झांकने के लिए बते रहे हैं, अनेबली जी नहीं बने, क्या पता महीने में जूट पा जाए, 4 महीने में जूट पा जाए, कैसे अनेबली जी को मैंने देखे कैसे मजबूर से बता रहे, कैसे नहीं नहीं दारों कैसे मजबूर से कैसे बयान से पलटी मार गए, वो बयान चढ़ गए टीवी पे, एक तरफ को कहा था भैया मुझे, मैं मुख्यमंत्री का दावा कर मुझे जैसे अपनी शादी की बात आई भाई, मैंने तो कुछ कैसे बातें कर रहे हैं आप, जो अभी कह रहे थे कि बीजेपी के मैनिफेस्टो को पकड़कर हम बैठे हैं, हर जो है हर एक काम को हम देखेंगे, लट लेकर बैठे हैं, अभी कह रहे हैं कि हम बीजेपी की तरफ नहीं देख रहे, आप हमारी तरफ मत देखो, हम इनेलो की तरफ नहीं देख रहे, आप हमारी तरफ मत देखो। देखिए मेरा आपने पूरी बात नहीं सुनी, मैंने कहा कहने को तो बहुत कुछ, अगर मैं इनकी पार्टी में जागूं तो मैं ही बोल सकता हूं, मैंने बोला है जैसे बोलते हैं, हर पार्टी अपना काम कर रही है, हम विपक्ष की मजबूत स्थिति में है और पूरे हरियाणा के मुद्दे उठाएंगे, जो ये वादे नहीं पूरे करेंगे, सड़कों पे भी जाएंगे और विधानसभा में तो है ही, आप वे दिन बात कीजिए, 25 तारीख को है प्रोटम स्पीकर शपथ दिलाएंगे और हमारे प्रोटम स्पीकर रघुवीर कादन जी जो सबसे वरिष्ठ है उनको पहले गवर्नर जी दिलाएंगे और वो सभी विधायकों को दिलाएंगे, उसका देखिए सरकार कैसे चलती है, कितने वादे पूरे करते हैं, ऑन ग्राउंड सब रिपोर्ट आएगी, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है, कहा तो उन्होंने पहले भी कुछ था, लेकिन मैं ये मानता हूं जनता ने पे विश्वास दिलाया तो हम जनता के मैंडेट का सम्मान करते हैं, ये बात तय है कि जनता ने इनकी सरकार बनाई है, हमें विषमता है इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं, तो मैं शुभ अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ, अच्छी तरह सरकार चलाए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास नीरज जी लौटूंगा एक सवाल के साथ में। नरेश जी, लेकिन आप मुझे नरेश जी आप बताएं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं आपकी स्थिति के हिसाब से अगर आपका आकलन किया जाए, हालांकि जिस तरीके से मैं पहले डिबेटों पर अगर नजर डालूं, जिस तरीके से हमने पहले चर्चा की, उन्होंने कहा कि देखिए जमीन तलाशने की कोशिश में अगर आम आदमी पार्टी है, हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तो गठबंधन की भी बात थी, लेकिन फिलहाल की स्थिति अगर देखी जाए, आज के दौर की स्थिति जो है अगर देखी जाए तो यहां पर जो है विपक्ष अच्छे मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को चलाने का जो जिम्मा होता है, कहीं ना कहीं अगर सरकार रास्ते से थोड़ा सा अगर भटकती है तो विपक्ष यहाँ पर अच्छी भूमिका में नजर आ रहा है, हो सकता है कि इस बार जो है जनकल्याणकारी ज्यादा जो है काम देखने को मिले, क्या नरेश जो आपने कहा कि बिल्कुल जो है विपक्ष की भूमिका जो है अभी कांग्रेस को निभानी पड़ेगी, क्योंकि पिछले जल भी विपक्ष में तो अच्छी बार विपक्ष में और अगली बार शायद महावीर से कैंडिडेट, क्योंकि जिस तरह से अगर विपक्ष के अंदर जो जनता के मुद्दे हैं वो उठाने चाहिए थे, उसी तरह से कांग्रेस को मैंडेट जनता देना चाहती थी और कांग्रेस अपनी ही जो अंदर की अंदरूनी जो कलह है उसके अंदर ये खुद पक्के और जनता के ऊपर जो जनता ने इनको जो विश्वास नहीं दिया, फिर देखिए कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से आज भी कहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो है साटा निकालने में रहते हैं, अपने नेताओं का जो भी है एक एक करके नेता छोड़ते गए,
कहीं ना कहीं शीर्ष नेता होता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जिम्मेवारी थी कि उन लोगों को पार्टी के अंदर रहते वो भी आप जीते हैं, अगर वो भाजपा के अंदर गए तो वो लोग जीत के रहते हैं वहां पर। तो आपने अपने एक एक करके लीडर जो है आपने 10-15 साल देश ले लिया, 15 साल के अंदर एक एक करके लीडर को बाहर चले गए और उन लीडर्स के ऊपर जो है कहीं ना कहीं आपने विश्वास खो दिया और वो विश्वास आज ये सत्ता के अंदर बैठे हैं। लेकिन ऐसे धीरे धीरे खाता निकालने के चक्कर में आपने देखा कि आज आपका खाता खुद ही राष्ट्रीय पार्टी के लीडर्स ने और जनता ने निकाल दिया। ये तो खाता निकालने की परंपरा उन्होंने स्टार्ट करी थी और जनता ने उनकी खाता निकालने की परंपरा को उनके ऊपर ही छोड़ दिया और आगे की राजनीति भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति हरियाणा प्रदेश के अंदर लोग खत्म हो चुकी है। आज भी देखिए मोह लेकर बैठे हुए हैं भूपेंद्र सिंह, अब भी कह रहे हैं कि लड़के विपक्ष का बेटा बनना। अरे आपको सब कुछ मौका मिला, आप मुख्यमंत्री बने, आपके बेटे को जो है राज्यसभा बनाया, राज्यसभा के बनाया लोकसभा बने, पर अब भी खुद भी जीत के आए हैं, विपक्ष के लीडर भी है, कहीं ना कहीं आपको इतनी सारी जिम्मेवारी रही। मैं तो ये देना चाहूंगा कि शुभकामनाएं कम से कम जो ये कहते कहते आज 11 साल हो गए इनके जो है संसद नहीं बना पाए उसके अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवार है। अगर आप अपने कार्यकर्ता की वैल्यू करते कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को पद दिलवाते उनके जिला लेवल पे ब्लॉक लेवल पे या प्रदेश लेवल पे संसद होता तो कम से कम उनकी जिम्मेवारी बनती और जिम्मेवारी बनने के बाद उनसे पूछ सकते थे कि हार और जीत से जिम्मेवार कौन है। कहीं ना कहीं इसके अंदर विफल गए और इसके लिए मैं बोलता हूँ कि हाँ अपनी जमीन तलाश भी करिए, लेकिन आपने देखा कि अभी से 2 साल के लिए संघर्ष होता है हरियाणा के अंदर की भाजपा को हटाना कांग्रेस को लाना, लेकिन जनता ने उल्टा उठता विपक्ष के लिए कांग्रेस को भरोसा नहीं रहा और किसी भी पार्टी के लिए मैं कहूंगा एमएलओ को भी देखो आपने वोट नहीं दिया था, जेएनडी को वोट नहीं दिया, हमें भी वोट नहीं दिया जनता ने, क्योंकि 2 पार्टी ठीक है। ये तो रही कांग्रेस की बात सर, अगर आम आदमी पार्टी को देखा जाए, आम आदमी पार्टी का आकलन किया जाए तो आपका प्लान क्या रहेगा सर जो है मुझे 5 साल प्लान जो है ऑलरेडी हम जनता के मुद्दे जो है जमीन के ऊपर उठाते रहेंगे, जनता के हमारे वही मुद्दे हैं, आज भी वही मुद्दे रहेंगे, हमारे ये मुद्दे हैं शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, ये हमेशा है। जब से हमारी पार्टी का गठन हुआ है हम इसके ऊपर है और भी जो जनता के बीच जाके हम जो भी लेंगे ठीक है। ठीक है सर, समय का अभाव है तो इस वजह से मैं फाइनल कमेंट की तरफ जो है रुक कर रहा हूँ। रामराज जी शर्मा जी, जिस तरीके से यहाँ पर जो है नरेश जी ने बताया कि अब कांग्रेस की राजनीति में अगर देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति खत्म होती नजर आ रही है, वो जैसे नरेश जी ने अभी बताया, और तमाम आपकी पार्टी की तरफ से भी जो है सवालों के घेरे में यहाँ पर उनकी राजनीति, लेकिन क्या कहना चाहेंगे जो है आगामी जो रोड मैप है, और जैसे नीरज जी यहाँ पर कमेंट कर रहे थे और आप मैं देख रहा था कि मुस्कुरा भी रहे थे, आप जो है क्या प्रतिक्रिया क्या रिएक्शन सर? देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैं नीरज को बताना चाहूंगा फाइनल कमेंट है सर, ये हमारे चुनाव घोषणा पत्र के बारे में कह रहा था जी। जिस तरह से देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे को आशीर्वाद दिया है और हम जनता की ऐसे ही सेवा करते रहेंगे और जनता का आशीर्वाद लेते रहेंगे, और मैं माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से, हमारी सरकार की तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से मैं देवतुल्य जनता जनार्दन को विश्वास दिलाता हूँ हम कसौटी पे खड़े उतरेंगे, जो हमारे संकल्प पत्र में हमने जो संकल्प लिया है वायदे करे हैं हम उनको बारी बारी से सबको पूरा करेंगे। अच्छा ठीक, और जनता का ऐसे आशीर्वाद मिलता रहेगा, हम सेवा करते रहेंगे 20-25 साल तक ऐसे ही हमारी सरकार चलती रहेगी, क्योंकि देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। ठीक है अनुजी, मैं आपके पास आऊंगा। नीरज जी, नरेश जी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो राजनीतिक अस्तित्व वो अब खत्म हो गया क्योंकि बहुत सारे चांस उनको पार्टी आलाकमान ने दिए और जो है, और यकीनन इस बार जो है देखा जाए तो 72 समर्थकों के उनके टिकट मिला था जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिसमें से 30 ने जीत दर्ज की थी। क्या कहेंगे नीरज जी, फाइनल कॉमेंट? ने कहा कि अगले 5 साल बाद हमारी सरकार बनेगी और राम जी लाल जी कहते हैं जी 27 साल तक हमने जाएंगे। मैं नरेश भाई से भी पूछना चाहूंगा, भाई आप भी बता दो, आप भी क्यों पीछे रहो कि आपकी सरकार अगले 5 साल में बनेगी, उससे 5 साल में बनेगी, आप भी बता दो। जब सबने बता ही दिया भाई हम तो विपक्ष में बैठे हैं, आप भी बता दो। सर ये तो वही वाली बात हो गई, मीठा मीठा गप थू, जब आपसे सवाल कर लेते हैं तो आप जो है उनकी सरकार पर आ जाते हैं, वो भी कह देंगे कि आप भी बता दो जो आपका जो है अंदर कलह जो है अंतर कलह कैसे ठंडी होगी। अनुजी फाइनल कमेंट? ठीक है, मैं तो गुप्ता जी को कहूंगी हमारी छोड़ो सारी बताओ, आपकी तो बढ़ गई थी, शपथ ग्रहण हो रहा था, 70 सीट पार कर रहे थे। असल में हुड्डा साहब ने हरियाणा की जनता की हालत कर दी है, एक जो शराबी आदमी की पत्नी नहीं होती
जो जो जिसका एक वो बन जाता है कि अब तो इसी के साथ उम्र काटनी है, जहां इतनी कटगी 5-4 साल की और बात है, अब तो इसके साथ ही काटनी है। वो हाल हुड्डा साहब ने हरियाणा की जनता का कर दिया है। हरियाणा की जनता ने आखिरकार ये डिसीजन लिया कि 10 साल तो इस भाजपा के साथ काट लिए, 5-1 साल और काट लेते हैं तब तक, और इलाज ही नहीं छोड़ा ना। हर शराबी व्यक्ति की पत्नी वाला हाल कर दिया हुड्डा साहब ने कुछ हरियाणा की जनता का। और ये बहुत सीरियस बात है गुप्ता जी, हमारी छोड़ दो, आप तो 70 पार हो रहे थे, आपने आपने तो वर्दियां सिलवा दी थी, थानेदार लगाओ थे, क्या रहा? समझ में आ गया हरियाणा क्या चीज है? हरियाणा, हरियाणा की जनता रड़क फड़क निकालना जानती है। जिस तरीके से हरियाणा की जनता ने हुड्डा साहब की रड़क निकाली है, हुड्डा साहब ने बड़े लोगों के कांटे निकाले थे, आखिरकार हुड्डा साहब को इस उम्र में, हुड्डा साहब ने तो ये भी कह दिया था मेरा आखिरी इलेक्शन है, आखिरी इलेक्शन में सही कांटा काटे जनता ने। जिस तरीके से मुझे समय इजाजत नहीं दे रहा है, इसी वजह से मुझे माफी के साथ आपको रोकना होगा। और जो है रामराजी शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनुसूरा जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और नरेश शर्मा जी बहुत शुक्रिया, नीरज गुप्ता भी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मसला में। लेकिन सवाल यही कि जिस तरीके से 25 अक्टूबर को आने वाले समय में विधानसभा सत्र है, और ऐसे में जो है बीजेपी की जो है विधायक दल की बैठक होनी है और आगे के रोड मैप पर चर्चा हो सकती है, तो ऐसे में सवाल यही कि आने वाले समय में किस तरीके का रोड मैप होगा और विपक्ष का क्या प्लान हरियाणा के अंदर होगा। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।